हमारी प्रथा बंद करो। अब इलाहाबाद की दशा इतनी बेवस्था है, इलाहाबाद नहीं। इस तरह से उनको जहरीली गैस के अंदर उतार दिया जाता है और कोई भी उनको सेफ्टी नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि सेफ्टी की बात छोड़ो कि उनको जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कोई भी उन परिवार वालों को उनको मुआवजा नहीं देती सरकार। हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है कुछ का, ना एसआई का ना पीएफ का। काटता जरूर है मगर हम लोग को सुविधा कुछ नहीं है। कोई हमको सुरक्षा इंतजाम बात कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम लोगों के सफाई कर्मचारियों को की लाशें गंगा जमुना में बह जाती हैं और जाल से ढूंढा जाता है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो बाल बच्चे रो के रह जाते हैं। और एक गम बूट मिलना चाहिए, मास्क लगाने का मुंह में मिलना चाहिए, कोई का सुविधा नहीं। हाथ में दस्ताना होना चाहिए, ये कोई का सुविधा नहीं है। वहाँ कोई भी गटर जाम है, कोई भी नाली नाला जाम है तो वो उसमें जैसे भी साफ होगा वैसे उतर के साफ करेगा। अब तो हम ये देख रहे हैं कि अब तो ठेकेदारी पे ठेका में काम दे दिए। ठेकेदार आया, 4 महीना 5 महीना काम करा के चला गया, पैसा ले करके अपने घर बैठ गया। मजदूर यहाँ खाने बिना परेशान। वही तो बता रहे ना अभी, मैं स्वच्छ भारत करती सभी लोगों को मरने को वो स्वच्छ भारत आ गया। अभी मोदी सरकार क्या भी बात कर रहा है, मेरा अच्छा स्वच्छ भारत कर रहा है, सभी लोग का मर रहा है, वो लोग का मरने को उन देखना पड़ेगा। अब स्वच्छता के नाम पर तो वोट तो मांग रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन खुद वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेट करने जा रहे थे अभी 2 दिन पहले बनारस में, वहाँ पे 2 मजदूर वहीं मौत हो गई उनकी, इस पर लोग सवाल उठाने आए हैं। और ये फोटो खिंचा लेने से तो सफाई अभियान भारत वर्ष का नहीं खत्म हो जाएगा, ये सफाई कर्मचारी ही खत्म कर सकता है। सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, जैसे एक स्टडी जो बेंगलुरु में यूनियन के साथियों ने किया, उसमें एक चौंकाने वाली खबर आई कि चौंकाने वाली बात उनको पता लगी कि उनमें से ज़्यादातर को मौत कैंसर है बहुत बड़ी संख्या में। क्यों? क्योंकि वो दिन भर बाहर रहती हैं, उनके लिए कोई टॉयलेट नहीं, वो तो महिलाएँ हैं, सड़क पर तो कर नहीं सकती, तो महिला और टॉयलेट नहीं है जहाँ वो जिन सड़कों पर साफ करें, उनके किसी के घर में तो नहीं जाने देते, तो इसलिए वो पानी नहीं पिए, इसके लिए उनको प्यास न लगे, उसके लिए वो लगातार तंबाकू च्यू करती हैं, जिसके चलते माउथ कैंसर एपिडेमिक है, माउथ कैंसर का पूरा महामारी है। और इसमें ऑब्वियसली दूसरे डिजीज़ भी हैं, टॉयलेट नहीं जाने से जो डिजीज़ होती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के, किडनी के वगैरह, वो सारी बीमारियाँ हैं और इतने यंग एज में उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो ये महिलाओं की खास समस्या। और एक और खास समस्या ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, परमानेंट नहीं है नौकरी, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यौन उत्पीड़न, कॉन्ट्रैक्टर यूजुअली अपर कास्ट का होता है और ये दलित महिलाएं हैं और प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, ये एक भयानक बड़ी समस्या है जिसको सारी सफाई कर्मी महिलाएं फेस करती हैं। हम चाहते हैं कि इस सफाई और ये मैला ढोने की प्रथा को बिल्कुल ही सरकार खत्म करे और उस हिसाब से हम लोगों को काम दिया जाए जो एक इंसान अच्छी मान सम्मान से प्राप्त करता है। मोदी को तो हटाएंगे, हर पल में हटाएंगे, वो कुछ नहीं काम कर रहा है हम लोग के लिए। सफाई कर्मचारियों का एक महापड़ाव जिस दिन हो गया ना, उस दिन इस सरकार को घुटने इसके टिकवा देंगे हम, और उस काम को जिसके लिए हम आंदोलन चालू कर रहे हैं उसको खत्म करवा के ही मानेंगे।